एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। शेड मीन्स हमें क्या करना है, इसमें कलर फिल आउट करने हैं। बेसिकली क्वेश्चन 1 या फिर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। अब जो ए बॉक्स है उसमें जितने भी सर्कल्स हैं उसके 1/2 सर्कल्स जो है वो हमें क्या करने हैं, शेड करने हैं। तो बेसिकली इसको हम निकालेंगे कैसे, वो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले ए पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 मतलब होता है बेसिकली आधा, है ना। तो जितने भी सर्कल है उसके आधे क्या कर दो, सर्कल को शेड कर दो। लेकिन हमें क्या करना है, कंसेप्चुअल करना है। तो आप कहीं पर साइड में इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1/2 लिखेंगे, ए पार्ट के नंबर ऑफ सर्कल जितने भी हमें शेड करने हैं उनकी वैल्यू निकालना हम बता रहे हैं। आप काउंट कर लो टोटल कितने सर्कल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल 12 सर्कल्स आर देयर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 1/2 हमें शेड करना था और टोटल कितने सर्कल्स हैं हमारे फर्स्ट वाले डायग्राम में, 12। अब इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करना हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/12 और ऊपर 12/1 लिख देंगे। 1/12 जो होता है 12 और 2/1 जो होता है 2, ये आपको पता होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से और नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई कर देनी है। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे कहीं साइड में, 12 को 2 से, 2 6 12, और 12 में से 12 गया कुछ नहीं, तो 6 आउटकम हमारा आंसर आया, 6 आया हमारा टोटल आंसर। तो ये आपको 6 सर्कल्स क्या कर देने हैं, उसको शेड कर देने हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ शेड। तो फर्स्ट सर्कल, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6, ये हो गया बच्चों हमारा ए पार्ट का आंसर। अब बात आती है कि आप कॉपीज में कैसे लिखेंगे, क्या ये जो मैंने अभी सॉल्व किया ये लिखने की जरूरत है, तो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और उसको शेड कर देंगे अपनी कॉपी में। क्लियर है। तो ये ए, ये तो मैंने बताया आपके लिए कि कितने आपको सर्कल्स शेड करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट पर। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन अ बॉक्स, ठीक है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन अ बॉक्स। तो अब 2/3 हमें निकालना है। सो 2/3 पहले देख लेते हैं हम टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ट्राइंगल्स आर देयर। सो टोटल 9 ट्राइंगल और 2/3 शेड करने हैं। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 × 9 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 9 ट्राइंगल्स है। सॉल्व कर लो 2/3 × 9/1, 2 9 जा होता हमारा 18, 3 1 जा होता 3, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली नीचे नीचे वाली वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 3 से डिवाइड कर लो कहीं साइड में, 3 6 जा होता है हमारा 18, तो हमारा फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है आउटकम 6। तो हमें 6 ट्राइंगल क्या करने हैं, शेड करने हैं। तो मैं कर देता हूँ 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 5 6। आप जब अपनी उससे करें पेंसिल से या फिर कलर से तो आप बिल्कुल अंदर ही अंदर पेंट करें, मेरा थोड़ा सा इसको मैं बाहर कर रहा हूँ क्योंकि वैसे ओरिएंटेशन नहीं आ पा रहा है। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पे। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको ये सॉल्व करके भी बताना है जो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्राइंगल और नंबर ऑफ सर्कल्स हमने निकाले, तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं। कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर वो टीचर्स से, सॉरी, और उसके बाद इसको आप जैसा मर्जी वैसे लिख सकते हैं, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स। अब थर्ड वाले पार्ट में स्क्वायर 3/5 करना है, तो सी वाला पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ सी वाला पार्ट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3/5, तो मैं 3/5 लिख देता हूँ। अब टोटल स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमारे लिए, तो ये मैं सी वाले पार्ट में से स्क्वायर काउंट करता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक में 5, फिर ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 15, तो टोटल 15 स्क्वायर्स आर देयर।
ठीक है, आप भी काउंट कर सकते हो टोटल 15। तो बस इसको सॉल्व करो और उतने स्क्वायर्स क्या कर दो, शेड कर दो। तो इसको 15 3 जा 45 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 45 को 5 से, वैसे तो 5 9 जा 45 होता है, तो 9 स्क्वायर हमें क्या करने हैं, शेड करने हैं, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो 5 9 जा 45, क्या आ गया आंसर 9। तो हमें क्या करना है, 9 स्क्वायर शेड करने हैं। तो चलो कर देते हैं, थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का भी। तो इतना ही था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 5 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियो, सारे चैप्टर की एक एक वीडियो एक साथ चेकआउट कर सकते हैं, पार्ट वाइज डली हुई है वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।